नमस्कार दोस्तों, आज आपका हमारे इलेक्ट्रीशियन एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आपको एमजी सेट के बारे में बताना चाहेंगे। जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं, हमारे सामने एक एमजी सेट है, मोटर और जनरेटर सेट, जो एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। जो कि हमारे सामने ये देख रहे हैं, हमारा थ्री फेज इंडक्शन मोटर है जो 7.5 एचपी का है, और उसकी रेटिंग आपको दिख रही है सामने हमारी। उसकी आरपीएम है 1475 आरपीएम और वोल्टेज है 440, ठीक है। और उसका जो वाइंडिंग टर्मिनल है वो स्टार और डेल्टा में है, ठीक है। इसके आगे हमारा ये हो गया इंडक्शन मोटर। इसके बाद हमारा कपल किया गया है, कपल से हमारा जुड़ा है डीसी शंट अल्टरनेटर, ठीक है, जो कि जिसका रेटिंग है 2.5 किलोवाट, ठीक। और जो कि अल्टरनेट में हम लेंगे तो 2.5, जब इसको मोटर में जब मोटर यूज करेंगे तो एचपी में लेंगे, ठीक है। एचपी में आपको रीडिंग दिख रही है 2.5 एचपी, ठीक है। इसका आरपीएम है 1500 आरपीएम और वोल्टेज है 220, ठीक है। और 10 पोल का ये है, 10 पोल का ये मोटर है और डीसी शंट है, ठीक है। इसको उपयोग से पहले हम आपको बता रहे हैं इसका उपयोग कहाँ होता है। ये भारी मात्रा में डीसी परिवर्तित करना होता है, जो कि इंडस्ट्री में प्रयोग करते हैं, जहाँ पर एसी थ्री फेज एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। आइए इसको डीसी में कन्वर्ट करने से पहले इसके भागों के नाम आपको बता दें, ठीक है। इसके भागों का नाम हमारे देखिए, ये फैन कवर है, ठीक। इसके ऊपर ये इसका हाउसिंग योग कर सकते हैं बॉडी, और ये इसका टर्मिनल बॉक्स है जो कि हमारा इंडक्शन मोटर के ऊपर लगा है। इसके आगे आप देख सकते हैं इसका इंड कवर है, इंड या फ्रंट कवर कर सकते हैं, दोनों है। ये फ्रंट कवर कहेंगे और इसके अंदर फैन के अंदर है इंड कवर, और इस पर आई होल लगा होता है जो कि हमारा मोटर को स्थापित करने से बाद निकाल दिया जाता है, ठीक है। इसके आगे हमारा देख रहे हैं ये सॉफ्ट है, सॉफ्ट के आगे हमारा कपलर जुड़ा है जो कि रबड़ से जुड़े हैं दोनों आपस में, जो कि जंपिंग मोटर करने पर ये स्टेबल कर सके इसके गति को, ठीक है। इसके आगे ये हमारा डीसी का सॉफ्ट आ जाता है, डीसी का ये हमारा कवर है। इसके आगे आप देख सकते हैं डीसी का टर्मिनल बॉक्स है, जो कि आप यहाँ पर कनेक्शन है, ये टर्मिनल स्ट्रिप है जिसमें हमारा शंट कनेक्शन है, आपको फिगर द्वारा को समझाएंगे। इसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पर हमारा ये कवर लगा है, इसके नीचे डक एयर निकलने के लिए डक बना होगा, ठीक है। ये भी हमारा इन फ्रंट है, फ्रंट कवर इधर हो जाता है और बैक कवर इधर हो जाता है, ठीक। इसके आगे आप आके देख सकते हैं यहाँ पर स्लॉटेड कटे हैं, जो कि एसी मोटर में स्लॉट कटे हैं और डीसी में नहीं कटे। इसका कारण ये होता है कि हमारे एसी थ्री फेज इंडक्शन मोटर अधिकतम हीट होने पर ये स्लॉट उसमें से जो गर्म हवा होती है उसको निकालने के लिए रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा एमजी सेट है, मोटर और जनरेटर सेट, वो एक फाउंडेशन पर कसा गया है, ठीक। अब इसके आगे हम आपको इसके प्रिंसिपल के बारे में जानकारी देंगे कि हमारा मोटर और जनरेटर कैसे बिजली उत्पन्न करता है, ठीक है। अब हमारे मोटर जैसे है थ्री फेज इंडक्शन मोटर या स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर आप कह सकते हैं, ठीक है। इसमें जब हम थ्री फेज सप्लाई देते हैं तो इसके स्टेटर में हमारी सप्लाई जाती है, जिसमें मैग्नेटिक मोटिव फोर्स जनरेट होता है, जो कि मैग्नेटिक मोटिव फोर्स जनरेट होने के बाद हमारा फ्लक्स घूमने लगता, गतिमान कर देता, ठीक है। उस गतिमान से हमारा जो रोटर स्थिर रहता है उसको हमारा फ्लक्स घुमाने लगता है, जिससे हमारा गति प्रोड्यूस होता है। गति घूमने से हमारा उससे जुड़े शाफ्ट से हमारा डीसी अल्टरनेटर जो है वो भी घूमने रहता है, और डीसी अल्टरनेटर में हमारा आर्मेचर लगाता है, आर्मेचर से बिजली ईएमएफ विद्युत वाहक बल प्रोड्यूस होगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिससे हमारा पोल फील्ड जिसमें पोल दो पोल लगे हैं वो पोल में हमारा विद्युत वाहक बल जाएगा, वहाँ पर हमारा ईएमएफ मतलब वहाँ पर मैग्नेट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। मैग्नेट से जितना मैग्नेट हमारा अधिक होगा उतना वोल्टेज हमारा प्रोड्यूस होगा। अब वोल्टेज वो हमारे जो लगा है पैनल बोर्ड के मीटर में दर्शाएगा, ठीक है। इसके आगे हम आपको पैनल बोर्ड के बारे में जानकारी देंगे, ठीक है, चलते हैं। यह हमारा थ्री टीपीएन स्विच है, थ्री पोल
विथ थ्री पोल स्विच है जो कि हमारा थ्री फेज सप्लाई से जुड़ा है, जो कि स्विच ऑन करने पर हमारा सप्लाई यहाँ पर पैनल बोर्ड में नॉब पाता है। ये नॉब हमारे, ये है थ्री पोल नाइफ स्विच है, नाइफ स्विच से कनेक्ट होते हैं, नाइफ स्विच कनेक्ट करता है किट कैट स्विच से, ठीक है। किट कैट स्विच से अब कनेक्शन हमारे जाएंगे मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर में, ठीक है। और मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर से आपको यहाँ पर डाउन करने पर हमारा मोटर रन करने लगेगा, फिर जब स्टार में डाउन करने पर स्टार पर चलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जब अप करेंगे तो वो डेल्टा में हो जाएगा, डेल्टा में होने पर आपका मोटर फुल गति पर चलेगा। अब इसको क्यों करते हैं मैनुअल स्टार डेल्टा, इसके बारे में भी बता दें आपको, क्योंकि फर्स्टली जब हम मोटर को स्टार्ट करते हैं, अगर डायरेक्टली हमने डेल्टा में स्टार्ट कर दिया तो 5 से 7 गुना अधिक करंट लेगा, जिसके कारण हमारा मोटर जलने का खतरा बढ़ जाएगा, ठीक है। उसको बचाने के लिए हमें मोटर को स्टार में बाइंडिंग को कनेक्शन किया जाता है हमारे मैनुअल स्टार डेल्टा में। आपको आप ओपन करके हम इसको दिखाते हैं, ठीक है। देखिए इसके अंदर हमारा कनेक्शन है, जो कि हमारा जो सप्लाई आया है वो यहाँ पर है L1, ठीक, L2, L3, ठीक है। और L1 हमारा जो जाएगा ये सप्लाई से टर्मिनल स्ट्रिप पर है, ठीक है, सॉरी गलत हो गया, हम बता रहे यहाँ पर L1 है, L2 यहाँ पर, L3 इधर है, L3 इधर, ठीक है। ये हमारा टर्मिनल स्ट्रिप से सीरीज में हुआ है, सीरीज से हमारा टर्मिनल स्ट्रिप पर जाएगा, जो ये कनेक्ट ट्रिपिंग आर्म है, ट्रिपिंग आर्म यहाँ पे हमारा करेंट सेटर है, ठीक है। करेंट सेटर से हमारा ये सीरीज में इसके जुड़ा है, ये इसके मैग्नेटिक कोर है, ठीक है। मैग्नेटिक को जब इसमें मैग्नेट उत्पन्न होता है तो ये हमारा प्लंजर खींच कर ऊपर चिपक जाता है, इससे हमारा जो ये आर्म है, जो हमारा हैंडल है, वो उसी पर पोजिशन पर लॉक हो जाता है। अब देखेंगे ये स्टार और डेल्टा कैसे होता है। ये हमारा कनेक्टिंग आर्म है जो लगा है, फर्स्टली ये हमारा स्टार में हो जाता है जब नीचे करते हैं। यहाँ पर देखेंगे हमारा कनेक्शन हमारा स्टार में है, जो कि ये पीछे वाला टर्मिनल जो कि आपस में 60 है, ठीक है। एक न्यूट्रल पॉइंट बन गया और थ्री फेज यहाँ से हो जा रहे हैं, तो ये स्टार हो गया, ठीक है। और स्टार में 75% गति होने पर हमारी मोटर को डेल्टा में किया जाता है, जिससे वो अपने फुल पूर्ण गति पर चलने लगे। इसको डेल्टा में करने से ये टर्मिनल आपस में पूरे शॉर्ट करते हैं, तो डेल्टा कनेक्शन हमारा बनता है। इसको हम फिगर पर आपको डीपली बताएंगे। इसके आगे हम दिखा रहे हैं आपको, ये हमारा थ्री फेज का RYNB, ठीक है। वो हमारे थ्री फेज के सूचक हैं, जो कि सिंगल फेज होने पर आपको ध्यान देना है कि सिंगल फेज पर हमारी मोटर न चले, क्योंकि सिंगल फेजिंग पर हमारी मोटर जलने का खतरा होता है, ठीक है। इसलिए हमें कोई भी अपना पैनल बोर्ड बनाते वक्त हमें थ्री फेज सूचक का ध्यान देते हुए हमें इंडिकेटर लगाने होते हैं, ठीक है। इंडिकेटर कनेक्शन देखिए, हमारा एम्पियर मीटर दो फेज का दिखा रहा है, ठीक है। उसके आगे हमारा फ्रिक्वेंसी हर्टेज दिखाएगा, फिर उसके बाद हमारा वोल्टेज है। तो थ्री फेज का वोल्टेज हमें मान रखता है 0 से 500 वोल्ट रखते हैं, और एम्पियर में 0 से 15, ठीक है, 0 से 15 एम्पियर है। यहाँ पर भी 0 से 15 एम्पियर लगे हैं, 50 से 55 हर्ट्ज तक लगे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जब हमारी फ्रीक्वेंसी कैसे पता चलता है, फ्रीक्वेंसी जहाँ पर हमारी फ्रीक्वेंसी रहेगी वो ब्लेड कंपन करेगी, ठीक है। कंपन करने से वो फ्रीक्वेंसी 50 वाले कंपन करेंगी, अगर उससे अधिक है तो थोड़ा बहुत वो वाली भी ब्लेड कंपन करेगी, ठीक है। इसे हमें फ्रीक्वेंसी ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके आगे हमारा अल्टरनेटर पर आ जाइए। अब हमारा अल्टरनेटर यहाँ से विद्युत वाहक बल्ब प्रोड्यूस करेगा, इसे यहाँ से फिर हमारा रिएक्टेज में जाएगा, ठीक है, सॉरी यहाँ से हमारा प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पर हमारा DPN लगा है, DP स्विच लगा है, डबल पोल स्विच। इसके आगे हमारा रिएक्टेज में जाएगा, इसके सीरीज में एक रिएक्टेज में लगा आर्मेचर के सीरीज में लगा है। आर्मेचर से सिर एम्पियर मीटर में जाएगा, एम्पियर मीटर में हमारा रीडिंग दिखाएगा, इसके जब लोड लगाएंगे तब लोड पर कितना धारा वहन ले रहा वो दिखाएगा, और टोटल वोल्टेज यहाँ पर दिखाएगा DC का, ठीक है। DC का
फिर उसके नीचे यहाँ पर लोड लगाने के लिए नॉब लगे हैं हमारे। नॉब के आगे देखते हैं, हमने पैनल का जो डायग्राम दिया गया है वो इस तरफ बनाया गया है। जैसा कि आप डायग्राम देख रहे हैं, हमारा थ्री फेस सप्लाई यहाँ पर आई गई है, पैनल पे लगा है यहाँ पर थ्री फेस सप्लाई, ठीक। उसके बाद हमारा मैनुअल स्टार डेल्टा में सप्लाई गई है फिगर के अनुसार। फिर हमारा ये सप्लाई मोटर में गया है, मोटर में देखिए ये नॉब के द्वारा हमारा मोटर में गया है, ये देखिए मोटर में कनेक्शन गया, ठीक। उसी प्रकार यहाँ पर भी देख लिए डीसी का, उसी प्रकार देखिए डीसी का भी जो इंड्यूस होगा, यहाँ पर इनपुट होगा, यहाँ पर आउटपुट होगा, ठीक है। यहाँ पर आउटपुट हो रहा है तो जो निकल रहा है A1 और A2, ठीक है। यहाँ पर दोनों संट है जो कि हमने दोनों एक ही में लगा दिए हैं। यहाँ पर हमारा अल्टरनेटर से आ रहा है सप्लाई, यहाँ सप्लाई आ रहा है इसमें पैनल में हमारे उपकरण लगे उसके माध्यम से हमारा ये इस नॉब पर ये दिखाया गया है L1 L2 लोड, ठीक है। 440 वोल्ट पर लोड दिया गया है, ठीक है। आइए हम इसको स्टार्ट करके दिखाते हैं आपको, चलिए आपको स्टार्ट करके हम इसको दिखाते हैं। पहले हमें TPN ऑन करना होगा, ठीक है। इसको स्टार में नीचे लाना होगा, देखिए हमारा मोटर ऑन हो गया है। इस वोल्टेज हमारे एम्पियर बता रहे हैं, ठीक है। जैसा कि फ्रेंड हमने MG सेट बनाया, इसको इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। ज़्यादा इसको देखिए और जो जानकारी आपको चाहिए इसके बारे में, आपको कोई दिक्कत या परेशानी हो रही है हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, और किसी कोई भी दिक्कत होने पर हमें कमेंट में अपने कॉन्टेक्ट नंबर भी देख सकते हैं। मोटर और जनरेटर के कोई भी दोष और निवारण का हमने इसको टोटली आपको बता देना है, ठीक। इसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आगे और भी जो मोटरें में खामियां होती है या दोष होते हैं उसको बनाने की कोशिश करेंगे।